लोग प्रतिदिन अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ के दौरान भगवान को भोग भी लगाते हैं और इस दौरान भगवान से अपनी सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ के दौरान छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है और ऐसा करना आपके लिए मुश्किलों से भरा हो सकता है। आज हम आपको ये बताएंगे कि पूजा पाठ के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको पूजा पाठ का पूरा पूरा फल मिल सके। दरअसल लोग अपने घरों में भगवान की पूजा आराधना करते हैं। पूजा के दौरान लोग भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोग लगाने के भी कुछ नियम हैं और उन नियमों के साथ ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। अगर भोग लगाने के दौरान उन नियमों का ध्यान नहीं रखा गया तो पूजा करने का फल तो आपको नहीं मिलेगा, उल्टे और मुश्किल भी हो सकती है। भगवान का भोग लगाने का यह उद्देश्य लोगों को रखना चाहिए कि मैं भगवान को भोजन करा रहा हूं। किसी को भोजन कराने के पूर्व स्वच्छ पात्र में मीठे भोजन लगावें भगवान को भोजन के लिए, उसके साथ एक गिलास में जल भी रख दें और कुछ देर के लिए मंदिर हो पर्दा लगा दें और हाथ जोड़ के उन्हें विनती करें, प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ईश्वर, मैंने जो आपको भोग लगाया उसको केवल पाएं और फिर प्रसाद के रूप में पाएं, कुछ क्षण के लिए उन्हें समय दें। इस प्रकार भगवान को भोग लगाने का नियम है। ज्योतिषाचार्य पंडित शत्रुघ्न आचार्य बताते हैं कि कई लोग शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद भी भगवान की पूजा आराधना करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा करने के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं है, जिस वक्त भी सच्चे मन से भगवान की आराधना कर ली जाए वो सफल हो जाता है। लेकिन इस दौरान कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हों तो आपको दोपहर 12 से 1 बजे के बीच उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर शाम के वक्त आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और उनके भोग में तुलसी या दुर्वा देना हो तो शाम के वक्त दुर्वा और तुलसी न तोड़ें, ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। अगर शाम के वक्त आपने भगवान की पूजा आराधना की है तो उनको अर्पित किया गया फल, पुष्प, अक्षत सहित अन्य सामान रात को वहां से न हटाएं, उसे वहीं रहने दें। अगर आप शाम के वक्त किसी भगवान की पूजा कर रहे हों तब उनके पहले भगवान सूर्य की पूजा न करें। शाम के वक्त पूजा करने के दौरान इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी माना जाता है। ऐसे में अगर आप संध्या काल में किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हों तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपके लिए मुश्किल हो सकती है। लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।